नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज में स्वागत है। और अभी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो कि मजदूरों के लिए जो निकाला गया है, मजदूर के साथ साथ अन्य राज्यों में जो किसान हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल हैं। और लगातार हड़ताल जो है वो जारी है पूरे भारतवर्ष में, जगह जगह पे लोग हड़ताल कर रहे हैं। और उसी क्षेत्र में आज यहाँ पे मोगमा क्षेत्र जो कि निरसा में पड़ता है, निरसा मोगमा क्षेत्र के द्वारा भी रैली निकाला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी तादाद में लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं उनके साथ में यहाँ पे एरिया संयोजक जो है वो भी शामिल है इस रैली में। और क्या इनका मांग है और किस लिए ये कर रहे हैं हड़ताल, क्या है ये सब कुछ अभी हम जानते हैं और समझते हैं। सर, ये रैली मैन इसका क्या मोटो है कि मजदूर को लेकर के खास करके ये जो पूरा केंद्रीय सरकार है ये मजदूर विरोधी पॉलिसी तैयार किया है। श्रम जो अधिनियम है उसको सारा चीज बदल दिया है। जो मैंने 1947 का कानून बना हुआ था आज 4 कोड में बदल दिया है। हड़ताल करने का अधिकार, यूनियन करने का अधिकार, मजदूरों का मांग, ये सब चीज को खत्म कर दिया है। और सब बेच रहा है कॉरपोरेट लोगों को, अमीर लोगों को, रिलायंस कंपनी से लेकर अडानी अंबानी सबको ये सब बेच रहा है। इसके खिलाफ में आज बैंक LIC से लेकर के होल सेल भेल सारा उद्योग जो है मजदूर हड़ताल पर है। कल पूरे दिल्ली के अंदर में किसानों का रैली होगा। किसान मजदूर के ऊपर में ये केंद्रीय सरकार ने अटैक किया है, हमला किया है, उसके खिलाफ में एक दिवस से मजदूर आंदोलन है। यही के तहत भोगबा एरिया में हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। निरसा प्रखंड कार्यालय से एरिया ऑफिस तक हमारा पदयात्रा चलेगा। कॉलोनी का सारा चक्का जाम है। तो ये एरिया जो एक दिवसीय हड़ताल है, अगर इसमें कुछ सुनवाई नहीं होता तो अगला रणनीति आप लोगों का क्या होगा? पूरे देश के अंदर में आज का हड़ताल ये शुरुआत हुआ है। लगातार व्यापक आंदोलन पूरे देश के अंदर में होगा और ये दूसरा आजादी का संघर्ष का शुरुआत है। ये 26 तारीख 200 केंद्रीय श्रम संगठन की द्वारा महात्मा जी का पुण्यतिथि पर 7 सूत्र की मांग को लेके पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर आम हड़ताल को बुलाया गया। हम लोग का मेन मकसद है ये सरकार, ये हुकूमत, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हिंदुस्तान के 52 करोड़ मजदूरों का साथ धोखाबाजी किया। जबकि 2015 साल में जातीय श्रम सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी खुद बोले थे कि 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन होगा। और वही प्रधानमंत्री जी से उनका श्रम दफ्तर, उनका श्रम विभाग आज बोल रहे हैं 178 रुपया दैनिक हाजिरी होगा। ये मजदूरों का साथ सरासर धोखाबाजी है। पूरे हमारे देश में जो मजदूरों का अधिकार रक्षा करने के लिए जो 44 श्रम कानून और अधिनियम था उसको सारे के सारे कुचल डाल के 4 कोर्ट बिल में तब्दील करवा के मजदूरों को, हिंदुस्तान के 52 करोड़ मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए जो साजिश हुकूमत की ओर से हो रहा है, इसके खिलाफ मजदूर लोग आज रास्ता में उतार गया। खाली यही नहीं, हम लोग देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोग के खिलाफ ये जो 2 कृषि बिल और जो एसेंशियल कमोडिटीज का जो कानून जो पारित किया गया, किस लिए पारित किया गया? ये बहुजातिक कंपनी, बड़ा बड़ा सरमायादार पूंजीपति लोग का हाथ में किसान लोग को गुलाम बनाने के लिए जो साजिश है, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ है। ये श्रम कानून और अधिनियम को कोर्ट बिल में तब्दील करवा के गुलाम बनाने का जो साजिश, किसान लोग को गुलाम बनाने का साजिश, पूरे राष्ट्रव्यापी मेहनत का आदमी का ऊपर जो जोर जुलम महंगाई के खिलाफ हम लोग ये आज मैदान में उतरे हुए हैं। पूरे ECL मोगमा क्षेत्र में हड़ताल को कामयाब करने के बाद हम लोग मैदान में जुलूस कर रहे हैं। आगे का रणनीति क्या होगा सर? आगे का रणनीति ये शुरुआत है। पूरे हिंदुस्तान का जो आम मजदूर है, किसान है, मेहनतकश है, इसका अधिकार के लिए ये लड़ाई का शुरुआत है। पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर आगे चल के हम लोग रास्ता में उतार के हम लोग इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए, लगातार संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार। देख सकते हैं कि ये एरिया ऑफिस तक ये जाएंगे निरसा से जो निकले हैं, और जो मांग है इनका मजदूरों का हड़ताल वो लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। एक दिवसीय हड़ताल में लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग हैं और ढोल नगाड़ा के साथ में यहाँ पे जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है
तमाम पब्लिक सेक्टर का निजीकरण नहीं चलेगा। हम लोग का मांग है तमाम गरीब परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपया नगद भुगतान करना होगा। हमारा मांग है तमाम परिवारों को 10 किलो दर से अनाज देना होगा। हमारा मांग है श्रम कोड बिल वापस लो। हमारा मांग है किसान विरोधी कानून वापस लो। हमारा मांग है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वापस लो। तो ये देख सकते हैं, ये मांग है इनका और ये मांग को लेकर लगातार ये हड़ताल में जारी है। अगल बगल मुगमा क्षेत्र में जितने भी एरिया हैं सबको बंद कर दिया गया, हड़ताल जारी है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। निरसा से मिथुन हंसराज।